हाय, आई एम किरण शापुरी एंड ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द सन एंड रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। और देखिए, दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, हम सब लोग जानते हैं, जब सुबह सूरज उगता है तो नए दिन की शुरुआत होती है। बहुत एनर्जेटिक, बहुत फ्रेश हम फील करते हैं। जो भी पिछले दिन की थकावट होती है वो भी कहीं दूर हो जाती है। और देखिए, यहाँ पे सन का कार्ड भी ऐसी ही एनर्जीज की बात करता है, जहाँ पे किसी चीज को लेकर पीछे अगर आप कंफ्यूज थे, परेशान थे, तो उसी से ही रिलेटेड एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन भी रहती हुई दिख रही है। और पीछे किसी भी चीज पे आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, या फिर अदरवाइज भी एक सक्सेस, एक विक्ट्री भी ये वीक आप लोगों के लिए लाता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी प्रोफेशनल फ्रंट के एरिया से रिलेटेड एक नई बिगनिंग या तो आप करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड कहीं फाइनेंशियल, मटेरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड एक गेन, एक फायदे की बात करता है, या फिर इन्हीं चीजों पर फोकस करने की भी बात करता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, बहुत डिवोशन, बहुत डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड एक एप्रिसिएशन, एक रिकॉग्निशन भी अपनी सराउंडिंग से आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो फिर से मैं कहूंगी कि ओवरऑल प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ये वीक काफी अच्छा आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए पेज ऑफ सोर्ड्स एंड मटेरियल हार्वेस्ट के कार्ड्स हैं। देखिए, डीपर लेवल के लिए दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, और पेंटिकल्स कहीं बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से चीजों पे डील करने की बात करता है। तो देखिए, मन ही मन अगेन मैं कहूंगी कि आप बहुत ग्राउंडेड रहते हुए दिख रहे हैं, हर चीज के लिए एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक अप्रोच रखते हुए दिख रहे हैं। और मनी, पैसा या फिर मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीजें आपके लिए अहम रह सकती हैं। और देखिए, दूसरी बात, मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड कहता है कि पीछे जो भी आपने एफर्ट किया, मेहनत करी, कहीं पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड भी जो भी आपको रिवॉर्ड्स मिले हैं, आप उनको एंजॉय करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और कहीं देखिए, कंफर्ट, लग्जरी, इन चीजों पे आप ज्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और सरफेस लेवल के लिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं बहुत ही लॉजिकली हर चीज को डील करने की बात करता है, कहीं माइंड से चलने की बात करता है। और देखिए, कुछ लोगों के लिए या फिर काफी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि एक इमैच्योर एनर्जीज भी रह रही हैं, या फिर कोई इमैच्योर इंसान आपकी लाइफ में है जिसकी वजह से एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन रह रही है। तो देखिए टॉरस, अगर आपकी इमैच्योर एनर्जीज हैं तो थोड़ा सा इस चीज को चेक करके जरूर करेक्ट करें। एंड हो सकता है कि किसी न्यूज, किसी फोन कॉल का आप वेट कर रहे हैं तो वो आपको इस वीक मिले, जिसकी वजह से एक इंफॉर्मेशन भी आपको मिल रही है,
एक नॉलेज भी आपको मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी रहते हुए दिख रहे हैं। या मैं कह सकती हूँ कि न्यूज बहुत एक हैप्पी, बहुत एक सेटिस्फेक्शन लाती हुई नहीं दिख रही है। किसी फोन कॉल, ईमेल का भी अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो भी फिर से मैं कहूँगी एक हैप्पीनेस, एक जॉय लाती हुई नहीं दिख रही है। आपको ज़रूर एक इन्फॉर्मेशन अगेन मिल रही है, लेकिन उतना सेटिस्फाइड आप उस फोन कॉल से, उस ईमेल से रहते हुए नहीं दिख रहे हैं। और हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े से क्यूरियस हो रहे हैं, थोड़े से जिसे कहते हैं ना इंक्विजिटिव आप हो रहे हैं, और ज़्यादा चीज़ों को जानना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक स्पाई वाली एनर्जीज हैं, किसी चीज़ की लिटरली आप जासूसी करते हुए दिख रहे हैं। ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए लिटरली ऐसी एनर्जीज भी इस वीक पर्सनल फ्रेंड से रिलेटेड किसी एरिया में रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ट्रस्ट का कार्ड है, और देखिए बहुत ही सिंपल मैसेज है कि जिस भी गॉड को आप मानते हैं, यूनिवर्स पे, खुद पे, अपने लव वंस पे कंप्लीट ट्रस्ट करके, सरेंडर करके आप आगे बढ़ते जाएं, बहुत लॉजिकली चीज़ों को आप ना डील करें। क्योंकि देखिए यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ही लॉजिकली, अगेन मैं कहूँगी, चीज़ों को डील करने की बात करता है। और देखिए मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ओवर हो जाती है तो हमें परेशान करती है। और हमेशा ही हार्ट और माइंड का बैलेंस एक आइडियल सिचुएशन होती है। तो देखिए इस वीक भी थोड़ा सा आप ख्याल रखें कि हार्ट और माइंड में एक बैलेंस रहे, ना तो आप ओवर इमोशनल हो, ना आप ओवर लॉजिकल हो। तो देखिए इमोशनल तो आप होते हुए नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई भी कप्स का कार्ड नहीं है, लेकिन यस प्रैक्टिकल और लॉजिकल आप होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसा आप जरूर करें, लेकिन किसी भी चीज को फिर से मैं कहूंगी आप ओवर एनालाइज ना करें। और दूसरी बात, फिर से ट्रस्ट आप जरूर रखें और आगे बढ़ें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो कलर या फिर ऑरेंज कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।